नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके पास एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जापान की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी सोनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सोनी कंपनी के द्वारा लास वेगास के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में शानदार लुक और ढेर सारी खूबियों वाली अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार विजन एस के कंसेप्ट को शोकेस किया है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका के लॉस वेगास में दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो होता है, जिसमें दुनिया भर की टेक कंपनियां अपने भविष्य के प्रोडक्ट को पेश करती हैं। इस साल के इलेक्ट्रॉनिक शो में जापान की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी सोनी के द्वारा अपनी पहली कार को पेश करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सोनी के द्वारा अपनी इस कंसेप्ट इलेक्ट्रिक कार को विजन एस नाम दिया गया है। इस कार को सोनी की रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम के द्वारा बनाया गया है। विजन एस सोनी के द्वारा पेश की गई पहली इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन इससे पहले सोनी जापान की दूसरी कार निर्माता कंपनियों को कैमरा, सेंसर और एंटरटेनमेंट के उपकरण सप्लाई करती थी। इस कार को बनाने के लिए सोनी के द्वारा काफी सारी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन की गई है और इस कार को न्यूली डिजाइन ईवी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। सोनी के द्वारा इस कार के अंदर और बाहर अलग अलग टाइप के 33 सेंसर लगाए गए हैं। इसके अलावा इस कार में मल्टीपल वाइड स्क्रीन डिस्प्ले, 360 डिग्री ऑडियो कनेक्टेड फीचर के साथ ब्लैकबेरी और बॉश जैसी कंपनियों के कुछ फीचर भी शामिल किए गए हैं। इस कार में दी गई हेडलाइट्स के कारण ये कार देखने में पोर्श जैसी दिखाई देती है। कार के अंदर की तरफ डैशबोर्ड पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, जो काफी हद तक चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप बाइटॉन की कार में दिखने वाले डिस्प्ले जैसा है। इस कार में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए आगे की सीट के हेडरेस्ट पर स्क्रीन दी गई है। कंपनी के अनुसार इस प्रोटोटाइप में भविष्य की मोबिलिटी को दर्शाया गया है। सोनी के द्वारा इस कार में एडवांस सेफ्टी सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। साथ ही इस कार में दिए गए अलग अलग प्रकार के सेंसर्स के कारण फ्यूचर में इस कार को सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी से भी लेस किया जा सकता है। सोनी के द्वारा इस कार में टाइम ऑफ फ्लाइट नाम का खास सेंसर दिया गया है, जो कार के अंदर और बाहर खड़े लोगों को आसानी से पहचान सकता है। सोनी के द्वारा इस कार में 200 किलोवाट की दो इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो इस कार को 0 से 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक ले जाने के लिए केवल 4.8 सेकंड का समय लेती है। 240 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड वाली इस इलेक्ट्रिक कार की रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है। कंपनी के द्वारा इस कार के प्राइस और इसकी लॉन्चिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस कार को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के कारण कंपनी जल्द ही इसे लॉन्च कर सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।